अरिजीत सिंह भारत देश के जाने माने प्लेबैक सिंगर हैं। इनका नाम भारत के अलावा पूरी दुनिया में फेमस है। लोग इनकी आवाज के दीवाने हैं। अरिजीत सिंह के अलावा बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमी एवं गुजराती भाषा में भी कई गाने गा चुके हैं। 29 साल के अरिजीत ने जल्द ही वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए लोगों को कई साल लग जाते हैं। इनको ये फेम मिले ज्यादा समय नहीं हुआ है। इन्होंने 2013 में प्रसिद्ध गाना तुम ही हो गाया था, जिसके बाद ये सभी भारतीय के दिल में बैठ गए। अरिजीत भारत के एक म्यूजिकल शो का भी हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन तब उन्हें किसी ने नहीं जाना ना ज्यादा पसंद किया। अरिजीत ने फेमस गायक बनने से पहले देश के प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ बतौर असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर काम किया था। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपने चैनल दीपावली में इनके जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। सब्सक्राइब करिए दीपावली चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरिजीत सिंह का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनके पिता पंजाबी एवं माता बंगाली थी। अरिजीत के पिता LIC में काम करते थे जबकि माता गृहिणी थी। अरिजीत ने अपने स्कूल की पढ़ाई जियागंज राजा बिजोय सिंह हाई स्कूल से की थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अरिजीत ने जियागंज के ही श्रीपद सिंह कॉलेज में दाखिला लिया। अरिजीत के अनुसार वे एक अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन शुरू से उनका झुकाव पढ़ाई से ज्यादा गायकी में रहा। अरिजीत को बचपन से ही गाने का शौक था। इनके घर में सिंगिंग का माहौल भी रहता था। अरिजीत की माँ एक अच्छी सिंगर के साथ साथ अच्छा तबला भी बजा लेती थी। साथ ही इनकी नानी एक अच्छी गायकी थी। इनकी मासी ने भी भारतीय क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ले रखी थी। इनके मामा भी एक बहुत अच्छे तबला वादक थे। ऐसे में अरिजीत भी गायकी से जुड़े रहे। उनको गायन की पहली शिक्षा उनके घर पर ही मिली। अरिजीत के अंदर गायन की ललक को देखते हुए उनके परिवार वालों ने निश्चय किया कि वह इन्हें गायन में प्रोफेशनली ट्रेनिंग दिलवाएंगे। अरिजीत ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा राजेंद्र प्रसाद हजारी से ली है। साथ की तबला वादी की शिक्षा इनको धीरेंद्र प्रसाद हजारी ने दी है। अरिजीत ने रविंद्र संगीत एवं पॉप म्यूजिक को बीरेंद्र प्रसाद हजारी से सीखा है। अरिजीत सिंह का शुरुआती करियर सन 2005 में सोनी TV द्वारा एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल का आयोजन किया गया। इस शो में भाग लेने के लिए अरिजीत उनको गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने मनाया था। उनका कहना था कि क्लासिकल म्यूजिक अब पुराना माना जाने लगा है, इसलिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नया सीखना होगा। अरिजीत को इस शो में भाग लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब उनको पता चला कि इस शो में जूरी जज के में शंकर महादेवन जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस शो में जाने का फैसला किया, क्योंकि शंकर भी क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं। अरिजीत इस शो के लिए चुन लिए गए और वह टॉप 6 तक भी पहुंचे, लेकिन फिर जनता के कम वोट की वजह से वह बाहर हो गए। अरिजीत सिंह को इस समय तो बहुत लोग नहीं जान पाए, लेकिन TV में आने की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग तो बनी थी। इसके बाद अरिजीत ने सोनी के ही दूसरे रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में हिस्सा लिया। इसमें फेम गुरुकुल एवं इंडियन आइडल शो के प्रतियोगियों का म्यूजिकल फेस ऑफ था। अरिजीत ये शो जीत गए, जिसके साथ ही जनता में उनकी चाहत बढ़ने लगी। इस जीत के बाद अरिजीत ने म्यूजिक प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए खुद का रिकॉर्डिंग सेटअप लगा लिया। इसके कुछ बाद अरिजीत ने शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर एवं मिथुन के साथ असिस्टेंट म्यूजिक प्रोग्रामर बांके कार्य किया। इस दौरान शंकर महादेव ने अरिजीत को बहुत सपोर्ट किया। वे निर्माता लोगों को अरिजीत से गाना गवाने के लिए बोलते थे, साथ ही बोलते थे कि अरिजीत आने वाले कल की आवाज है, लेकिन निर्माता शंकर की बात नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था नई आवाज को मौका देना बहुत बड़ा जोखिम है और वह पॉपुलर आवाज के साथ ही काम करना चाहते हैं। अरिजीत सिंह का गायकी करियर। अरिजीत को पहला ब्रेक शंकर एहसान लॉय ने अपने म्यूजिक एल्बम हाई स्कूल म्यूजिकल एल्बम 2 में दिया, जिसमें अरिजीत ने ऑल फॉर वन गाना गाया। इसके बाद अरिजीत ने सन 2010 में प्रीतम चक्रवर्ती के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां प्रीतम ने उन्हें 3 फिल्में गोलमाल 3,
ग्रुप एवं एक्शन रिप्ले में काम करने का मौका दिया। सन 2011 में अरिजीत का पहला बॉलीवुड डेब्यू हुआ। इन्होंने मिथुन के कंपोजिशन में मर्डर 2 का गाना फिर मोहब्बत करने गाया, जिसे बहुत बड़ी सफलता मिली। ये गाना अरिजीत ने सन 2009 में रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये रिलीज 2011 में हुआ था। सन 2012 में अरिजीत ने प्रीतम के कंपोजिशन में फिल्म एजेंट विनोद का गाना राबता गाया, जिसकी सफलता को देखते हुए प्रीतम ने इसे अरिजीत से 4 अलग अलग वर्जन में गवाया और रिलीज किया। इसी साल प्रीतम के साथ अरिजीत ने प्लेयर्स कॉकटेल एवं बर्फी में भी काम किया। अरिजीत ने 2012 में विशाल शेखर के लिए फिल्म शंघाई में दुआ गाना गाया, इसके लिए अरिजीत को अवार्ड भी मिला। सन 2013 अरिजीत के करियर का सबसे सफल साल रहा। इस साल अरिजीत ने मिथुन के कॉम्पोजिशन में म्यूजिकल फिल्म आशिकी 2 के लिए तुम ही हो गाना गाया, जो उनके करियर का सबसे बड़ा हिट रहा। इस रोमांटिक गाने को बहुत अधिक पसंद किया गया, जिसने ढेरों अवार्ड अरिजीत को दिलाए, जिसके बाद अरिजीत एक प्रसिद्ध पार्व गायक बन गए। इस फिल्म में म्यूजिक जीत गांगुली ने दिया था, जिनके साथ मिलकर अरिजीत ने फिल्म के बाकी गानों में भी काम किया। जीत को इस फिल्म के लिए फ्रेश आवाज चाहिए थी। उन्होंने अरिजीत का गाना दुआ यूट्यूब पर सुना, जिसके बाद उन्होंने अरिजीत को आशिकी 2 के लिए मना लिया। सन 2013 में अरिजीत ने करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी में प्रीतम के साथ काम किया और फिल्म में लगभग सभी गाने गाए। इस फिल्म का एक गाना बलम पिचकारी के लिए अरिजीत को म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बना दिया गया। अरिजीत के अनुसार ये समय उनके करियर का बहुत महत्वपूर्ण समय था। इसने उन्हें बेहतर संगीतकार बनने में मदद की। इस साल उन्होंने फटा पोस्टर निकला हीरो, आर राजकुमार, चेन्नई एक्सप्रेस, बॉस, जैकपॉट, गोलियों की रासलीला, रामलीला, मिक्की वायरस जैसी फिल्मों में भी अपनी आवाज दी। अब वह समय था जब हर छोटा बड़ा डायरेक्टर अपनी फिल्म में अरिजीत से एक गाना गवाना चाहता था, क्योंकि सबका मानना था इस एक गाने से उनकी पूरी फिल्म हिट हो सकती है। सन 2014 की शुरुआत में ही अरिजीत ने साजिद वाजिद एवं एआर रहमान जैसे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया था। इसके बाद अमित त्रिवेदी, शरीफ तोशी, विशाल भारद्वाज, सचिन जिगर, टोनी कक्कड़, पलाश मुच्छाल जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम किया। अरिजीत पर्सनल लाइफ एवं अन्य काम। अरिजीत को गाने के अलावा बैडमिंटन खेलना, लिखना, मूवी देखना एवं डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद है। अरिजीत ने अपनी बचपन की दोस्त कोयल रॉय से 2014 में बंगाली तरीके से शादी की थी। कहा जाता है अरिजीत की ये दूसरी शादी है। पहली शादी उन्होंने उनके साथ रियलिटी शो में रही किसी प्रतिभागी के साथ की थी। इनसे उन्हें एक बेटी भी है जो अब 6 साल की है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। अरिजीत से कलर्स चैनल के प्रसिद्ध शो मधुवाला एक इश्क एक जुनून के लिए एक गाना हम हैं दीवाने गाया है। इसके साथ ही बंगाली सीरियल तोमे आमे मिले के लिए टाइटल ट्रैक भी गाया है। अरिजीत ने आज तक भारत के अलावा विदेश के हिस्सों में शो किए हैं, जिसमें सभी दर्शक उनके फेमस गाने तुम ही हो गाने की गुजारिश जरूर करते हैं। अरिजीत सिंह को मिले अवार्ड। अरिजीत आज तक अलग अलग अवार्ड शो में 70 बार नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से उन्होंने 23 अवार्ड जीते हैं। 2013 में तुम ही हो गाने के लिए अरिजीत को 10 जगह नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से वह 9 जगह विजयी रहे। फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, गिल्ड अवार्ड, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड, जी सिनेमा अवार्ड। 2014 में नेशनल इंडियन स्टूडेंट यूनियन यूके ने अरिजीत को यूथ आइकन म्यूजिक अवार्ड 2014 में दिया था। अरिजीत सिंह की कॉन्ट्रोवर्सीज। सन 2013 में अरिजीत सिंह एक इंटरव्यू के दौरान एक पत्रकार पर भड़क गए थे, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। 2015 में अरिजीत सिंह ने कहा था कि उन्हें गैंगस्टर रवि पुजारी से 5 करोड़ रुपए के लिए धमकी भरे फोन आ रहे हैं, लेकिन अरिजीत ने इसकी FIR नहीं कराई थी। सन 2016 में अरिजीत और सलमान खान के बीच किसी गर्मा गर्मी की खबर आई। कहते हैं किसी अवार्ड फंक्शन में अरिजीत ने सलमान को कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, जिसके बाद सलमान उनसे ऐसे गुस्सा हुए कि फिर कभी उन्हें देखा तक नहीं। सलमान की फिल्म सुल्तान के लिए अरिजीत ने एक गाना भी रिकॉर्ड किया था,
लेकिन सलमान ने अरिजीत को ना माफ करते हुए अपनी फिल्म से ही वो गाना हटा दिया। अरिजीत ने अपनी गलती मानते हुए सलमान से सोशल मीडिया के द्वारा कई बार माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन सलमान से इस बात पर कुछ रिएक्शन तक नहीं दिया। अरिजीत स्टार प्लस के एक सिंगिंग शो रॉ स्टार को जज करने वाले थे, जिसे पहले हनी सिंह ने जज किया था। इस बार मेकर हनी एवं अरिजीत दोनों को लेना चाहते थे, लेकिन इन दोनों सिंगर्स में 36 का आंकड़ा चलता है, जिसके मेकर ने शो को ही होल्ड पर डाल दिया। सलमान के साथ बिगड़ते रिश्ते के कारण अरिजीत के सितारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, उन्हें सब जगह से नकारा जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही दीपावली चैनल को सब्सक्राइब करें।